हैप्पी नवरात्र फ्रेंड, आज का वीडियो है स्कंद माता की। पांचवे दिन नवरात्र के पांचवे दिन में पूजा होती है, तो स्कंद माता को कौन से रंग पसंद है, कौन से भोग पसंद है, कौन से फूल पसंद है और उनका व्रत कथा तो और उनका शुभ मुहूर्त, चलिए जानते हैं शुभ मुहूर्त। तो पंचमी तिथि शुरू होगी 19 अक्टूबर सुबह 1:12 में। पंचमी तिथि समाप्त होगी सुबह 12:31 में। और ये 19 अक्टूबर को नवरात्रि के पांचवे दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता की स्वरूप की पूजा की जाती है। स्कंद माता की रूप बहुत ही सौंदर्य है। मान्यता अनुसार माँ स्कंद माता की पूजा संतान हेतु की जाती है। कुमार कार्तिक के माता होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। नवरात्रि के दिन पांचवे दिन में पूजा करने की विधान है। अब जानते हैं माता स्कंद की कथा। जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार अधिक बढ़ गया था, तब स्कंद माता ने अपने संतजनों की रक्षा करने के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्ट दानवों का संहार किया था। मान्यता है कि स्कंद माता की साधना करने से ही भक्त अलौकिक तेज प्राप्त करता है। इसके साथ ही माँ अपनी भक्तों के सभी दुखों का निवारण करती है, उनके लिए मोक्ष का द्वार खोलती है। माँ का सौंदर्य के रूप कुछ इस प्रकार है। देवी स्कंद माता कमल के फूल पर विराजित अभय मुद्रा में होती है। माँ का रूप बहुत ही निराला है, उनके रूप में एक अजीब प्रकार का तेज होती है। पौराणिक तथ्यों के अनुसार स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती है, जिन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता की चार भुजाएं हैं, जिनमें से माता ने दो हाथ में कमल का फूल पकड़ा हुआ है। एक भुजा ऊपर की ओर उठी हुई है, जिससे वो भक्तों को आशीर्वाद देती है, और एक हाथ में अपने पुत्र को स्कंद अपने माता अपने गोद में लिए हुए हैं। उनका वाहन सिंह है। तो अब माँ का जो प्रिय फूल है, प्रिय फूल और रंग कौन से है, चलिए जानते हैं। तो माता का रंग लाल, पीले और गुलाबी रंग बहुत ही प्रिय है, और माँ का पुष्प गुलाब, उड़हल है और कमल है। और स्कंद माता को केले के भोग लगाए जाते हैं, उन्हें बहुत प्रिय है, और केले का मलपुए बना के प्रसाद के रूप में स्कंद माता को अर्पित करते हैं। तो फ्रेंड, कथा अगर अच्छी लगेगी तो एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को